सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट न्यू ट्यूटोरियल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटोरियल्स लाइक एडिटिंग के, एनिमेशन के और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो आपको मैंने पहले बताया था कि हम जो ऑलरेडी व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग जारी रहेगी, साथ जो है ना हम ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे, सीखेंगे भी। तो कंग्रेचुलेशंस सीखने वालों के लिए जो सीखना चाहते हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। और आज से जो हम पहले जो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडिटिंग है ये है क्या। देखें, जब भी आप एक तस्वीर या एक वीडियो सिंपल मोबाइल से लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जब आप उसे एडिट करेंगे उसमें और जो आपने रिसेंट वीडियो जो तस्वीर वगैरह खींची होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो एडिटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चूँकि चल रही है तो इसलिए एडिटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। आप टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं या यूट्यूब व्लॉगिंग कर रहे हैं या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग क्या हर मामले में, हर वीडियो में एडिटिंग जाना ज़रूरी है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कुछ ईजी सॉफ्टवेयर से, जो ईजी सॉफ्टवेयर है ऑन कंप्यूटर, जस्ट कंप्यूटर नो, मोबाइल पे भी हम देखेंगे लेकिन बाद में अभी हम जो है ना पीसी पे देखेंगे कि जो पीसी पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इजी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे हम स्टार्ट करेंगे और प्रो लेवल तक भी जाएंगे और अच्छे एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। तो अभी जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिकली वंडरशेयर, फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है कह लें। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो भी सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि इसे हम जो है ना कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका जब आप इसे यूज़ करेंगे तब आपको बाय करने की ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि जितना इजी और जितना अच्छा है इसका जो वाटरमार्क है ना वो भी उतना ही अच्छा है। वो जो है ना आपकी पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है कि आप जो है ना वाटरमार्क रिमूव किए बगैर आपकी वीडियो जो है ना इनकम्प्लीट, आपकी वीडियो कम्प्लीट हो ही नहीं सकती, इतना बड़ा उन्होंने वाटरमार्क में ऐड कर दिए। तो जाहिर सी बात है वो उनका अपना है तो इसलिए क्योंकि बहुत इजी और बहुत अच्छा है लेकिन क्या कहना चाहिए कि प्रोफेशनल लेवल नहीं है, बल्कि अच्छा बहुत है, एडवांस है, प्रोफेशनल लेवल नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशनल लेवल तक भी आपको लेके जाएंगे बट अभी जो है ना बिगिनर्स के लिए वो यही है। तो चले देखते हैं जो आज जिसमें हम काम करने वाले हैं वंडरशेयर फिल्मोरा। मैंने 13 जो है डाउनलोड किया है, सारा तरीका आपको शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि जो हमने काम करना है, जो करना है वो कैसे करना है और कैसा सॉफ्टवेयर है और इसके बारे में सब जो है देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। With us, Vlog teaches this video editing animation tutorial and graphic design very well at once. तो ये मेरा जो है ना डेस्कटॉप है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना इसमें कुछ भी नहीं है डेस्कटॉप में, जस्ट ये दिस पीसी नेटवर्क रिसाइक्लिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट एज एंड एक गूगल क्रोम। तो बस आपके डेस्कटॉप पे इतना ही होना चाहिए, आपके डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये भी मेरी तस्वीर है जो मैंने एडिट की है, ये मैंने जो है ना तस्वीर खींची नहीं है, जस्ट एडिट किया है। मैं इस तरह की तस्वीर जो है ना नहीं खींचता, ना ही मैं इस तरह की ड्रेसिंग वगैरह करता हूँ, तो ये मैंने एडिट की हुई है। ठीक है, तो जो हम देखने जा रहे हैं वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। ठीक है, और वंडरशेयर फिल्मोरा जो है ये सॉफ्टवेयर है, इसे मैं भी कट करता हूँ और ये ना दोबारा से हम इसे सेट करते हैं, ओपन करते हैं टर्न से। ठीक है, तो ये गाइस ये ओपन कर लिया मैंने दोबारा से इसे, तो अभी देखते हैं कि ये मेरे पास वंडरशेयर है 13 और यहाँ पे देखें तो ये देखें वंडरशेयर फिल्मोरा 13। ठीक है, तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, आप कोई से भी इंस्टॉल करके उसे जो है ना उस पर वर्क कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं सब। तो क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। तो गाइस ये जो है ना इसका इंटरफेस है, ये वेलकम स्क्रीन है कह लें। ठीक है, तो इसमें आपका मीडिया है, यहाँ पे अगर आप कोई भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, और स्टॉक मीडिया जो स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास वो है,
लेकिन जब ये आप यूज करें ना, आप स्टॉक वगैरह आपने यूज करना है, तो आपको ये जो है ना जरूरी है, नेटवर्क साथ होना चाहिए, नेटवर्क जो है आपका कनेक्ट होना चाहिए। अभी मुझसे कुछ जो है ना पूछ रहा है लोग। ओके, तो अब मुझे जो है ना, मैंने जो जो वहाँ पे सिलेक्ट किया है ये उन्हीं के मुताबिक मुझे जो है ना स्टॉक मीडिया देगा। एंड इनके पास यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करें और जो है ना यूज़ कर सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इनके पास है ऑडियो, इनके पास मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक्स होंगे और अच्छे होंगे जो है ना, आपको वह उसमें कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा, आप जहाँ मर्जी अपलोड कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर होता है कि हमें जब अगर म्यूजिक ऐड करना है ना, तो हमें बाहर से जाके जो है ना बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, एंड देन जो है सॉफ्टवेयर में ला के उसे एडिट वगैरह करके जो यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने सिंपल सॉफ्टवेयर में से ही लेने और उसमें ऐड कर लेना। टाइटल्स में अगर आप देखें तो एनिमेशन टाइटल्स की, टेक्स्ट की एनिमेशन आपके पास जो है ना ऑलरेडी बनी बनाई आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना इसमें, सिंपली वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना है और जो है ना इफेक्ट उठा के जो उस पर लगा देना है, तो वो जो है आपकी एनिमेशन अच्छी बन जाएगी। अभी क्या कह रहा है? अच्छा, डेली लाइफ विलो। ओके, डाउनलोड कर लेते हैं इसे। ये डाउनलोड हो रहा है तो हम बाकी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आ रहा है ट्रांजिशंस। ठीक है, आई डोंट नो ये क्या आ गया। अच्छा, ये व्लॉगिंग के वो दे रहे हैं कि टेक्स्ट ऐड होगा, डेली लाइफ व्लॉग। ठीक है, अभी से हम नहीं देखते, अभी भी हम बिल्कुल जो है ना इसे टाइप कर देते हैं, तो इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स हैं इसके पास लाइक ये RGB स्ट्रोक एज स्केल एंड इस तरह की जो है ना इसके पास बहुत सारे वो हैं। ठीक है, इफेक्ट्स हैं एंड स्टिकर्स हैं, जैसे यूट्यूब पे हम या व्हाट्सएप पे हम कभी सेंड करते हैं स्टिकर्स वगैरह लाइक PNG, तो GIF, ठीक है, वो सेंड करते हैं, तो वो जो है ना इसमें भी प्रोवाइड किए गए हैं आपको। ठीक है, नहीं बैक। अच्छा, अगर आप करते हैं ना कि अगर आप इसे वंडर शेयर फिल्मोरा 11 इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं आएंगे यार। ये 13 में ही जो ना अवेलेबल है, 11 में अवेलेबल नहीं है। ठीक, खैर म्यूजिक में मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो अभी चलते हैं टेम्पलेट्स में, कि टेम्पलेट्स में ये क्या क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, हालांकि मेरे पास नेटवर्क जो है वो 65 MB है, लेकिन फिर भी वो जो है ना काफ़ी। तो गाइस ये इसका इंटरफेस है, इन शॉर्ट के ये इसका इंटरफेस है। एंड चलते हैं वापस मीडिया में एंड देखते हैं इसे कि अब हमने आगे जो है वो क्या करना है, इस पर किस तरह से एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो सब कुछ करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है भाई। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, देन जो है ना सॉफ्टवेयर पे आके वर्क स्टार्ट करना अपना। मिनिमाइज करते हैं एंड चलते हैं सीधा क्रोम पे। यहाँ पे आप सिंपल टाइप करेंगे फिल्मोरा 11, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं 11, सिंपल आपने सर्च किया एंड जो उसके ऊपर फर्स्ट लिंक आपको दिया जा रहा है, फिल्मोरा 11 फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज मैक फ्री डाउनलोड, नीचे फिल्मोरा 13 न्यू अपडेट, फ्री वीडियो इफेक्ट्स एंड सब कुछ आपको जो है ना ये जो ऊपर नए ऑप्शन आ रहे हैं इन पे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, और आपके पास ये डायरेक्ट डायरेक्ट ले जाएंगे आपको वेबसाइट पे, जो इनकी अपनी फिल्मोरा की अपनी वेबसाइट है उस पे ले जाएंगे, और आप जो है ना इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी सॉरी, इसलिए मैं इसे पूरी तौर पर कट कर देते हैं, वो शिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो इंस्टॉल कर लेना आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके, डाउनलोड कर लेना एंड देन जाना आपने अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, और इसे जाना डिलीट कर देते हैं।
सिंपली आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, तो ये जो है ना आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए आपका, नेटवर्क के बिना ये जो है ना इंस्टॉल नहीं होगा, डाउनलोड डाउनलोड तो वैसे भी होगा, इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी जो हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो ये था इसका डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस। अभी आगे चलते हैं, इसे हमने यूज़ वगैरह कैसे करना है। तो आज हम जस्ट देखेंगे कि अगर आपने कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कुछ अच्छे और बहुत ही बेहतरीन, अगर आपके पास लैपटॉप है विद कैमरा, क्योंकि बाहर लैपटॉप ऐसे भी हैं जिनके साथ कैमरा भी अटैच है, तो अगर आप वो ले रहे हैं तो आप फौरी तौर पर अपनी फाइल जो है, अपनी वीडियो जो है, वो लैपटॉप से भी रिकॉर्ड करके डायरेक्ट इसमें भी जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसमें है रिकॉर्ड फ्रॉम पीसी स्क्रीन वेबकैम, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर। ठीक है, तो सब इसमें ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करेंगे अभी हम। तो अभी हम अच्छा फाइल इंपोर्ट करने के जो है ना कुछ तरीके आपको मैं बता देता हूँ कि वो हर सॉफ्टवेयर में ही होते हैं। फाइल पर जाएँ, सिंपल कैंसल यार, फाइल में जाएँ, यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करें, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। ठीक है, और आप फोल्डर करना चाहते हैं तो इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, लेकिन हम जो है ना यहाँ से नहीं करते। ठीक है, हम सिंपल जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे जस्ट यहाँ पे जो इसके स्क्रीन है, ड्रॉप योर वीडियोस क्लिप्स इमेजेस और ऑडियो हर और क्लिक हेयर टू इंपोर्ट मीडिया। तो सिंपली ये जो है साइट, इस साइट पर हम एक क्लिक करेंगे तो हमें जो है ना ये फोल्डर्स में ले जाएगा कि जहाँ से आपने अपनी फाइल वगैरह इंपोर्ट करनी है। अभी जो है ना यहाँ से ले जाएगा सीधा फोल्डर्स में। तो यहाँ से मैंने ये एक एनिमेशन बनाई थी, उसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये इसका जो है ना इंपोर्ट, अगर आप मजीद इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें और मजीद जाए इम्पोर्ट कर से इम्पोर्ट, इसको जो है ना ड्रॉप करते हैं एंड कुछ इफेक्ट्स करते हैं। ये वीडियो है, ठीक है, तो अभी हमने अगर इफेक्ट्स लगाने हैं, मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, इफेक्ट्स में जाते हैं। वैसे मैं अपनी एडिटिंग के लिए ना इसे यूज नहीं करता, मैं अपनी एडिटिंग के लिए वो बहुत ही एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है, मैं उसे यूज करता हूँ। वहां पर भी हम जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में भी जाएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है, वो बहुत एडवांस है, आपको पहले इसे समझना होगा, देन आप इस पर इजीली काम कर पाएंगे। तो अगर इस तरफ देखिए तो कुछ ऑप्शन दें, वीडियो ऑडियो कलर स्पीड, दस स्पीड वगैरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बेसिक जो है वो ट्रांसफॉर्म है, और स्केल वगैरह आप स्केल इतना रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मैं कंट्रोल जी से आगे आता है, मैं आगे करता हूँ कंट्रोल जी। हर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में आपका कोई भी कोई फाइल डिलीट हो जाती है, फोल्डर में से कोई सॉफ्टवेयर में से कोई काम हो जाता है आपसे गलती से, सिंपल कंट्रोल जेड कंट्रोल जी अंडू हो जाता है उससे, और जो आपका वो चीज़ वापस रिकवर हो जाती है, तो आपको जो हुआ होता है नुकसान वगैरह वो ठीक हो जाता है। ठीक है, मास्क के ऑप्शन है, AI टूल्स हैं, AI टूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही जो है ना आजकल बहुत फास्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, और आप एनिमेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन है, लेकिन एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, बेसिकली ये एडिटिंग के लिए ही है। ठीक है, तो अभी जो है ना इफेक्ट लाइक कुछ देखते हैं, तो ये हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इसे डाउनलोड करते हैं, ये नहीं ये करके देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है यार, देखिए अगर आपने टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप जो है इजीली बना सकते हैं। तो ये हम हमने ऐड कर दिया, इतने से जो है पार्ट पे हम इसे मूव भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक जब मुझे इसमें हम ये करते हैं कि जब मुझे जो है ना ये पंच मारेगा स्टार्टिंग में, तो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर से मुझे पंच मारना है तो हम जो है ना इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे मुझे पंच लगेगा,
अभी आई डोंट नो ये जो है ना। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है यस। ठीक है अच्छा हो गया। सर पीछे करते हैं तो ये देखिए अभी क्या सीन मैंने ये लेकिन ये बहुत दूर तक गया है सर। इसे हम जो है इतना दूर नहीं लेके जाना चाहते। हम जो है जहाँ पे पंच मुझे लगा सब वहीं तक रहे कि जैसे मुझे काफी दर्द हुई है। ठीक है तो इस तरह से इफेक्ट्स वगैरह आप लगा के तो आप जो है ना बेस्ट अच्छे एनिमेशन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और सब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वीडियो इफेक्ट्स अभी देखेंगे सब कुछ देखेंगे। तो आज बस इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। तो ये था हमारा हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल और इसमें हमने जो है ना एक इंस्टॉल करना सीखा एक सॉफ्टवेयर। अच्छा आपको मैं बताऊँ कि जो अडोबी के सॉफ्टवेयर है ना वो आप यहाँ से इंस्टॉल हर चीज़ नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको बाय करना पड़ेंगे उसके बगैर ये सॉफ्टवेयर अडोबी के इंस्टॉल होने वाले नहीं हैं। अगर आपको अडोबी का नहीं पता तो वो अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी सॉफ्टवेयर की एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। एंड बहुत ईजी है सो ईजी कि आप अगर आप बिगिनर लेवल टिकटॉक बनाना चाहें तो आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। ठीक है तो बना सकते हैं इजीली बहुत इजी है तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो इफेक्ट्स हैं टाइटल्स हैं टाइटल्स को देखेंगे टाइटल्स ऐड करके देखेंगे एंड अच्छी सी वीडियो ट्यूटोरियल अच्छी सी एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। मुझे दे इजाजत अपना ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। With us, Playworld teaches this video editing, animation, tutorial, and graphic design very well at once.